आज के सुंदर दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज का वचन का शीर्षक है आनंद की ध्वनि मुझ में से उठेगी। ये विश्वास की घोषणा है। तो आज मेरे प्रियो हम सब कहें आनंद की ध्वनि मुझ में से उठेगी। ये आपकी घोषणा होने पाए अपने लिए और अपने घराने के लिए। हबाकुक 3 उसका 18 और 19। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चढ़ाता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम यहोवा राफा है, उसका नाम यहोवा ईरे है। वो परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान है, और जिसने भी उस पे भरोसा रखा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। तो आज हमें अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि हबाकुक कहता है कि मेरे जीवन से सब कुछ नाश हो जाए, खेत उजड़ जाए, अकाल पड़ जाए, पेड़ों पे कोई फल ना हो, अनाज कुछ भी ना हो, जानवर भी ना हो, सब कुछ खत्म हो जाए, तो भी मैं आनंदित रहूंगा, मैं मग्न रहूंगा। परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता है उसके नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। आज ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। जो कुछ आज इस दुनिया से हमने पाया है सब कुछ इस पृथ्वी पे छोड़ना पड़ेगा, पर जो कुछ परमेश्वर की ओर से हमने पाया है वही हमें जीवन देता है, वही हमें उद्धार देता है, और वही है जो हमें मसीह में बनाए रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, और कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु भी आ जाए, तो भी हमें अपने परमेश्वर पे शक नहीं करना है, वरन आनंदित और जश्न के साथ उसके सन्मुख बने रहना है। क्योंकि हम जिनको खोते हैं इस पृथ्वी पे, जो मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, वो एक पल के लिए होता है और वो टल जाएगा, पर सदा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, और वही है जो हमें इस मुसीबत भरी इस दुनिया से छुड़ाएगा। तो इसलिए उस पे भरोसा रखें और हबाकुक की तरह आज कहें कि प्रभु मैं तुझ में मग्न बना रहूंगा। पिता परमेश्वर आज जरूर प्रभु हम सब मुश्किल से होके गुजर रहे प्रभु, प्रभु कई प्रभु बातें प्रभु आज हो रही है, प्रभु हमने अपने प्रियजनों को खोया है, प्रभु अपने दोस्तों को खोया है, प्रभु प्रभु बहुत प्रभु लोग प्रभु आज अकेले पड़ गए हैं, प्रभु बच्चे अनाथ हो गए हैं। प्रभु उन सब के बीच आज हबाकुक के इस वचन की घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं तुझ में आनंदित और मग्न बना रहूंगा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है प्रभु, और तेरी योजना मेरे जीवन के लिए भली है, और तू मुझे ऊंचे स्थानों में चलाता है। प्रभु प्रभु तेरा धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू।